कुमुद कुमार, म्यूट कीजिए तो। कुमुद रंजन, सर, म्यूट मुझे कर ऐसे दो। कहाँ आया कुछ? अच्छा बीच बीच में आवाज आता रहता है, मालूम नहीं किसका आवाज, हवा जैसा आवाज चलता रहता है। अगर नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको सबको दिख रहा है फुल वेव रेक्टिफायर। यस सर, यस सर। तो देखिए देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सबको दिख रहा है। तो जो हाफ वेव में जितना था इंस्ट्रक्शन है सेम है, ऑसिलोस्कोप है, सर्किट है, कंट्रोल है, चैनल वन इनपुट के लिए है, चैनल टू आउटपुट के लिए है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का है कंट्रोल, एम्पलीट्यूड पर वोल्ट है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये सभी सेम है। सिर्फ यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या हुआ है, सर्किट डायग्राम चेंज हुआ है। चेंज हुआ है ना फुल वेव रेक्टिफायर का। यस सर। देखिए मैं आपको एक यस करके बताता हूँ कि कैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। पहले पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल में मुझे बताइए पॉजिटिव साइकिल में ऊपर प्लस होगा कि माइनस? प्लस 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 होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, राइट? माइनस। यस सर। आपके पास फोर डायोड है, D1, D2, D3 एंड D4। तो मुझे बताइए फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड बायस, मुझे बताइए कि फॉरवर्ड बायस में कौन कौन डायोड है। D1 और D3। D1 है सर। D1 है और कौन है बताइए, D2। D1 के बाद कौन है? D3। D3 कैसे है यार? D3 देखिए यहाँ पे D2। आप लोगों ने D2 है, वेरी गुड, D2 है। क्यों D2 है? दिख क्योंकि रहा था। इसको पॉजिटिव टर्मिनल को P टाइप से कनेक्ट किया है और इसको देखिए D2 को नेगेटिव N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए फॉरवर्ड बायस क्या है, D1 और D2। बैकवर्ड बायस कौन हो गया, D3 D4। D4। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ध्यान दीजिए ये क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट, मतलब D1 को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और D2 को भी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो करंट का फ्लो कैसे होगा, देखिए करंट ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि यस सर। ये ओके। तो ओपन सर्किट है, ये भी क्या है, ओपन सर्किट है, ओपन करंट सर्किट। ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा और फिर मुझे बताइए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा और फिर ऐसे चला जाएगा, ये कंप्लीट लूप बनाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या करंट का डायरेक्शन? यस सर। देखिए यहाँ पे चला D1 के होते हुए गया, D1 RL अगेन D2 होते हुए साइनोसाइडल में चला गया, ये पॉजिटिव यानी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो अगर आउटपुट वेव फॉर्म बनाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसा होगा, होगा ना। अगर यस अभी हम लोग अगेन देखते हैं नेगेटिव साइकिल, देखिए नेगेटिव साइकिल का कैसे होगा, नेगेटिव साइकिल में मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस सर। होगा। फॉरवर्ड बायस कौन कौन सा होगा बताइए मुझे, फॉरवर्ड बायस कौन कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, मैंने सेम लिख, सेम लिख दिया। हाँ सर उल्टा। हाँ वही कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो मुझे बताइए फॉरवर्ड बायस कौन कौन सा होगा, D3 और D4। D3 D3 एंड D4। D4। अब बैकवर्ड बायस क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस एंड D2। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम लोग D3 और D4 को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और
सिंस ये प्लस है तो करंट यहाँ पे माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा और कैसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा और ये ऐसे चला जाएगा, ये कंप्लीट लूप बना लेगा। देख रहे हैं, तो दोनों में देखिएगा दोनों में डायरेक्शन क्या, तो फिर इसका करंट का डायरेक्शन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन आउटपुट ऐसा आ जाएगा अपना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे करंट हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे करंट हुआ, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछता है कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा, सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये आपको डायोड का सर नंबरिंग तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे यहाँ पे ऊपर आप नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो आप उस टाइम सर्किट डायग्राम देख के बताइएगा कि कौन सा डायग्राम अकॉर्डिंग टू हम, हाँ एग्जाम में बोल सकता है इसको D1 D2 चेंज कर सकता है। यस सर। जो जैसे जो अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम को आंसर दीजिएगा। हाँ यस सर। हर एक को समझ में आ गया करंट का डायरेक्शन, आपने क्या देखा इस सर्किट डायग्राम में दोनों का हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में ही करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इससे पहले जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन किया था तो एक में क्या था डाउनवर्ड और दूसरे में क्या था अपवर्ड था, लेकिन इस दोनों में क्या है करंट का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है। इसको आप लोग इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोलते हैं। इस सर्किट डायग्राम को क्या बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज, इस सर्किट डायग्राम को क्या बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इस सर्किट डायग्राम सबको समझ में आ गया? यस सर। अभी क्या करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए तो इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन में क्या है सेट द रजिस्टर आरएल, आपको मालूम है रजिस्टर आरएल कैसे सेट करते हैं, अगेन यहाँ पे मैंने 100 ओम सेट कर लिया। दूसरा क्या है क्लिक ऑन द ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, क्लिक ऑन द ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ऑन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही ऑन पे क्लिक किया जैसे ही ऑन पे क्लिक किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिस्प्ले हो गया, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है ध्यान दीजिए, क्लिक ऑन द साइन वेव टू जनरेट द इनपुट, साइन वेव पे क्लिक किए टू जनरेट द इनपुट, उसके बाद क्या बोलता है क्लिक ऑन द ऑसिलोस्कोप बटन टू गेट द रेक्टिफाइड वेव, ऑसिलोस्कोप पे क्लिक किए। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ देखिए चैनल वन पे क्या दिखाएगा सिर्फ इनपुट दिखाएगा, इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देते हैं। अभी क्या चैनल वन पे इनपुट, चैनल टू पे सिर्फ आउटपुट, ये ग्राउंड दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा अपना, हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं। हाँ देखिए तो ये क्या दिखा रहा है प्योर साइनोसॉइडल क्या है इनपुट है। देखिए प्योर साइन, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे प्योर साइनोसॉइडल क्या है इनपुट है और जो ये क्या है हाफ रेक्टिफाइड है। देखिए पॉजिटिव साइकिल को भी रेक्टिफाई कर रहा है और निगेटिव साइकिल को भी क्या कर रहा है रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ये कैलकुलेशन पार्ट है। इसमें आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है वीएम बाय रूट, हाफ वेव में यहाँ पे टू था यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट टू, और डीसी वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा टू वीएम बाय पाई, यहाँ पे वीएम क्या है मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल और इनपुट सिग्नल। आया क्या सभी को समझ में? कौन कोई बोला नहीं आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया बोलिए। हेलो देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया पहले रजिस्टर को सेट किया 100 ओम सेट कर दिया, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट को ऑन किया,
उसके बाद साइनसोइडल वेव सेट किया, इनपुट देखिए आ गया। उसके बाद ऑसिलोस्कोप सेट किया यानी आउटपुट आ गया। देखिए चैनल वन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इनपुट आएगा, चैनल टू पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट आएगा, ड्यूअल पे क्लिक करेंगे तो बोथ इनपुट भी आएगा और आउटपुट भी आएगा। आप लोग इससे एक्स वाई पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो, इससे आप इनपुट के पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो, इससे आपको आउटपुट के पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट्स है? नो सर। अभी आप क्या कीजिए, आपके पास एक घंटा है, विदिन वन आवर आप हरेक स्टूडेंट क्या करेगा, मोबाइल पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए हाफ वेव और फुल वेव दोनों का, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए ग्रुप में। सर ग्रुप में? ओके सर। हाँ ग्रुप में भेजिए। ओके सर। हाँ और मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, किसी को अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस शेयर कीजिए।